कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन की पालना को लेकर दातारामगढ़ पुलिस व उपखंड प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पुलिस व प्रशासन के द्वारा लगातार गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और लोगों को महामारी की गंभीरता के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। मंगलवार को उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रणवा, तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा एवं थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दातारामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दौरा किया और बेफिजूल बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए करीब एक दर्जन लोगों को क्वारंटीन किया, तो वहीं एक दर्जन वाहनों के चालान करते हुए वाहनों को सीज भी किया गया। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र के खाचरियावास, फूली, पंचार, कांकरा, डासरोली, सुरेरा, दाता व रामगढ़ सहित विभिन्न गांवों का भी दौरा किया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसी दौरान डीएसपी रिंगस बनवारी धायल भी दाता रामगढ़ पहुंचे और इलाके में लॉकडाउन की पालना को लेकर प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही गाइडलाइन का पालन करने व महामारी के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार अणवा ने बताया कि क्षेत्र में गाइडलाइन की पालना को लेकर किए जा रहे हैं दौरे के दौरान कई गांवों में निर्धारित समय के उपरांत जो दुकानें खुली मिली उन्हें प्रशासन के द्वारा 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। राजस्थान समाचार में बस इतना ही, देखते रहे मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।